नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज कहानी रतन टाटा की। साल 2004, पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी रहे प्रकाश एम तेलंग की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत मुंबई रेफर कर दिया गया। अगर उन्हें बाय रोड पुणे से मुंबई ले जाया जाता तो काफी देर हो सकती थी। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश एमडी प्रकाश की किस्मत ऐसी रही कि उस दिन रविवार पड़ गया और कई घंटों तक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। जब ये बात रतन टाटा तक पहुंची तो उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा कि प्लेन मैं उड़ाऊंगा। सब हैरान थे, लेकिन टाटा एकदम तैयार थे। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारी की जान बचाना जरूरी था। जब उन्हें फैसला कर प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू की थी कि उन्हें बताया गया कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा एक ट्रेंड पायलट थे। उनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था। ऐसे ही साल 1992 में जब इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक अद्भुत सर्वेक्षण करवाया गया और उनसे पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जब सर्वे पूरा हुआ तो सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो इकलौते वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए भी कोई असिस्टेंट नहीं हुआ करता था। प्लेन की उड़ान भरते ही वो चुपचाप अपना काम शुरू कर देते थे। उनकी आदत थी कि वो बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफी मंगवाया करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पसंद की कॉफी न मिलने पर फ्लाइट अटेंडेंट को डांटा नहीं था। रतन टाटा की सादगी की मिसाल ऐसी हजारों हैं जो अब इतिहास के पन्नों के बीच स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। रतन टाटा का जानवरों से इस हद तक प्यार था कि जब भी वो अपने दफ्तर पहुंचते थे, सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक पहुंच जाते थे। इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में टहलते देखा जाता था, जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। रतन टाटा को लेकर एक किस्सा मशहूर व्यवसायी और लेखक सुहेल सेठ भी सुनाते हैं। 6 फरवरी 2008 को ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स को बकिंघम पैलेस में रतन टाटा को सेवा भाव के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना था, लेकिन समारोह से कुछ घंटे पहले रतन टाटा ने आयोजकों को सूचित किया कि वो वहां नहीं आ सकते। सब हैरान थे। जब आयोजकों ने नहीं आने के पीछे वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि रतन टाटा का कुत्ता टीटो अचानक बीमार पड़ गया है। आयोजक हैरान थे कि आखिर किंग चार्ल्स को क्या जवाब दिया जाएगा कि रतन टाटा इसलिए नहीं आए कि उनका कुत्ता बीमार पड़ गया है। लेकिन जैसे तैसे आयोजकों ने ये बात किंग चार्ल्स तक पहुंचाई। जब चार्ल्स को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, ये होती है असली मर्द की पहचान। कहा जाता है कि रतन टाटा को करीब से सिर्फ दो ही लोग जानते थे, टीटो और टैंगो, जो उनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे। रतन टाटा को जानने वाले उन्हें एक दिलचस्प शख्स के तौर पर याद करते हैं। कोई भी उनसे मिल सकता था और वो अपना फोन खुद उठाया करते थे। कुमी कपूर लिखती हैं कि अधिकांश भारतीय अरबपतियों की तुलना में रतन की जीवन शैली बहुत ही नियंत्रित और सादगी भरी रही। उनके एक बिजनेस सलाहकार ने मुझे बताया था कि वो हैरान थे कि उनके यहाँ सचिवों की भीड़ नहीं होती थी। वो याद करते हैं कि एक बार उन्होंने रतन टाटा के घर की घंटी बजाई तो एक छोटे लड़के ने दरवाजा खोला। वहां कोई वर्दी पहने नौकर और आडंबर नहीं था। कुंभला हिल्स पर मुकेश अंबानी की 27 मंजिला एंटीलिया की चकाचौंध के ठीक विपरीत कोलाबा में समुद्र की तरफ देखता हुआ उनका घर उनके अविचात्य और रुचि को दर्शाता है। ऐसा ही एक किस्सा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है। ये किस्सा राजनीतिक गलियारों में आज भी यदा कदा टीवी डिबेटों में आ ही जाता है। साल था 1993। लालू प्रसाद यादव बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती का सपना एक डॉक्टर बनना था, लेकिन वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई थी। तब लालू प्रसाद यादव ने रतन टाटा से संपर्क साधा और बेटी के सपने के बारे में बताया और मदद मांगी। तब रतन टाटा की मदद से मीसा भारती का एडमिशन उस वक्त के संयुक्त बिहार के जमशेदपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में टाटा कंपनी के कोटे से कराया गया। उस वक्त तक झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। समय के साथ साथ रतन टाटा ने खुद को अपग्रेड भी किया। जब सोशल मीडिया का दौर आया तो वहां भी उनकी मौजूदगी प्रेरणादायक रही। सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से कई पोस्ट शेयर की जाती थी।
उन्होंने 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो जमीन पर बैठे दिखाई दिए और लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस तस्वीर पर हर कोई उन्हें शुभकामनाएं दे रहा था, लेकिन एक महिला ने अजीब सा पोस्ट किया। महिला ने लिखा, बधाई हो छोटू। महिला का ये रवैया दूसरे लोगों को अखड़ गया। उन्होंने इसे टाटा के अपमान के साथ जोड़ दिया। महिला की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन तब रतन टाटा ने एक कमेंट लिखा और सारे ट्रोलर्स चुप हो गए। उन्होंने लिखा कि मैं उस महिला युवा की तारीफ करता हूँ, उन्होंने अपने मन की बात कही। उम्मीद करता हूँ कि वे आगे भी इसी तरह लिखती रहेंगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चा तो हर किसी के अंदर होता है। ऐसे में इस महिला को सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। ऐसे वक्त में जब लोगों की आवाज दबाई जा रही हो, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो, तब एक रतन का उम्मीद बनकर खड़ा होना उनकी शख्सियत की गवाही देता है। तब कहना पड़ जाता है कि यूं ही कोई रतन नहीं बन जाता। इस कहानी में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।